है खतियान हमारी पहचान। खतियान 32 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बिल्कुल। तो हमारा कहना है खतियान हमारी पहचान है, आप उसको हमारी पहचान के साथ जोड़ो। लेकिन इस तरह एक पास कर देने से कुछ नहीं होता है, इसको कानून का रूप देना पड़ेगा। और इसके लिए हम भारत सरकार को भेजेंगे, 9th शेड्यूल ऐसी बेकार बातें हैं। आप यहाँ कानून का रूप लीजिए और यहाँ कानून का रूप देके जनता को इसका भला करिए। हम लोग उसी को देखेंगे, हम लोग सारे जनता को जागृत करेंगे कि सरकार केवल डपोर संघ की घोषणा न करे। बिरसा मुंडा के विरासत को जयपाल सिंह मुंडा ने अधिकृत किया और उसको अपनी पहचान की लड़ाई को लेकर, झारखंड राज्य को लेकर, अलग राज्य की लड़ाई को लेकर गया। तो निश्चित तौर पर हमारी तो पहचान ही खतियान है। जिनको भी ऐसा लगता है कि झारखंड का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, झारखंड का वजूद 2000 से हुआ है, उनको शायद इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है। झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी झारखंड पार्टी, पहले अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, फिर जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में वो बदलकर झारखंड पार्टी बनती है और अलग राज्य की मांग को राजनीतिक रूप दिया जाता है। राज्य के तमाम हिस्सों में झारखंड पार्टी के बैनर तले कई आंदोलन, कई चीज़ें होती हैं। ये सब आज हम बता रहे हैं, ये बताने का मकसद यह है कि आज झारखंड पार्टी का एक अधिवेशन है रांची के राजधानी के कार्निवल, जो एक बैंक्वेट हॉल है, वहाँ हम वहाँ आए हैं। वर्तमान में 1932 खतियान का मामला तेज है, उस दौरान झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू और पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है, यह जानना भी जरूरी है। हमारे साथ अशोक दा हैं। अशोक दा, खतियान आधारित स्थानीयता की लड़ाई को जीता गया, उसके बाद फिर अचानक से पार्टी का अधिवेशन या पार्टी के लोगों को बुलाना, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो नियमित कार्यक्रम है। झारखंड में कार्यकर्ताओं को बीच बीच में प्रोत्साहित करने के लिए, उनसे नीति निर्धारण के लिए, पार्टी के मुद्दों को जनता तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आप सारे लोग जानते हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम जनता के हित को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग करते रहे हैं। यही इसी के तहत आज झारखंड पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ, और इस राज्य के दो सामाजिक कार्यकर्ता कहें, प्रबुद्ध लोग कहें, संघर्षशील महिला बोले, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी बताएं, या वो वायलेट कच्छप जी हैं, वो सारे लोग आज झारखंड पार्टी का सदस्यता अपने समर्थकों के साथ मिलकर, वायलेट कच्छप आजसू में थी, आजसू की महिला अध्यक्ष हैं प्रदेश की, वो सारे लोग अपने समर्थकों के साथ हम लोग को शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर झारखंड पार्टी की गतिविधि तेज हो रही है और हम लोग आने वाले दिनों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई को और मजबूत करेंगे, यहाँ के रोजगार की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। सरकार ने खतियान आधारित स्थानीयता का जो प्रस्ताव था उसको कैबिनेट से पास कर दिया, क्योंकि झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका वजूद ही झारखंडी है, कैसे लेते हैं आप? देखिए, झारखंड पार्टी ने अपने पहचान के लिए लड़ाई शुरू की। बिरसा मुंडा के विरासत को जयपाल सिंह मुंडा ने अधिकृत किया और उसको अपनी पहचान की लड़ाई को लेकर, झारखंड राज्य को लेकर, अलग राज्य की लड़ाई को लेकर गया। तो निश्चित तौर पर हमारी तो पहचान ही खतियान है, और इसको अगर वर्तमान सरकार ने लाया है तो स्वागत का काम है। लेकिन इस तरह एक पास कर देने से कुछ नहीं होता है, इसको कानून का रूप देना पड़ेगा। और इसके लिए हम भारत सरकार को भेजेंगे, 9th शेड्यूल ऐसी बेकार बातें हैं। आप यहाँ कानून का रूप लीजिए और यहाँ कानून का रूप देके जनता को इसका भला करिए। हम लोग उसी को देखेंगे, हम लोग सारे जनता को जागृत करेंगे कि सरकार केवल डपोर संघ की घोषणा न करे। 1932 का खतियान, निश्चित तौर पर खतियान हमारी पहचान है, तो खतियान वाली लड़ाई तो हम लड़ेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 32 असंवैधानिक है, सरकार ने सही नहीं किया है। मैंने कहा ना आपको, 32 तो हम लोगों का बोलने का एक तरीका है कि 1932 में खतियान लागू करो। हम कह रहे हैं खतियान हमारी पहचान। खतियान 32 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बिल्कुल। तो हमारा कहना है खतियान हमारी पहचान है, आप उसको हमारी पहचान के साथ जोड़ो और इसको कानून बनाओ, दूसरा कुछ नहीं चलेगा, कानून बनना चाहिए। ये सवाल झारखंड पार्टी की, जो अगला सवाल हम पूछने जा रहे हैं, झारखंड पार्टी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि अलग राज्य की लड़ाई में सबसे प्रमुख स्तंभ रहे हैं झारखंड पार्टी के लोग, चाहे एनी हीरो की बात हो, जयपाल सिंह मुंडा। कुछ लोग हैं जो बिहार मूल के हैं, यूपी मूल के हैं, उनका कहना है हम अलग राज्य की मांग करेंगे अगर सरकार 32 वापस नहीं लेती, इसलिए ये सवाल आपसे पूछे। ऐसा है,
कौन क्या मांग करेगा, कौन क्या कहता है, इसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। झारखंड पार्टी की जो सोच है सो 1949 से लेकर आज तक एक ही है, जल जंगल जमीन की बात, हमारी पहचान की बात। आदमी कहीं से आते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसे कुछ लेना देना नहीं है। हमको झारखंड की पहचान चाहिए और इस पहचान के आधार पर हमारे लोगों का विकास चाहिए, बस। बाकी किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, संवैधानिक तरीके से सब कुछ चलता है और हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। सीसीएल बीसीसीएल एचईसी सेल ने जितनी जमीन अधिग्रहण की थी, जो खाली जमीनें वहां पे अतिक्रमण है और लगातार ये मांग चल रही है कि उन अतिक्रमणों को खाली कराया जाए, झारखंड के लोग कह रहे हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, ये सारे लोग बाहर से आके यहाँ इस तरह का बड़ी बड़ी परियोजना चला रहे हैं, उसका फायदा हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि उन परियोजनाओं को यहाँ के लोगों के हित में इस्तेमाल करे, उस परियोजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिले। तो निश्चित तौर पर जो अनायास आके यहाँ अतिक्रमण करता है उसको तो कानून तरीके से हटाना ही चाहिए, विस्थापितों को तो उसका फायदा मिलना ही चाहिए, और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं और आगे से भी लड़ते रहेंगे। आगे क्या रणनीति है, 24 की तैयारी है या कुछ? निश्चित तौर पर हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोग राजनीति करते हैं। हमारा लोकसभा का चुनाव का तैयारी है, हमारा 24 के विधानसभा का तैयारी है और 2024 की विधानसभा चुनाव में हम सारे लोग राज्य का नीति निर्धारण निश्चित तौर पर झारखंड पार्टी के माध्यम से करेंगे।